योर बुक ऑफ वेलनेस, ओपन पेज नंबर 8. सो आई एम राइटिंग द बुक नेम इन द पेज नंबर इन द चैट बॉक्स. ओके, इन केस ऑफ एनी डाउट यू काइंडली सी देयर. बुक ऑफ वेलनेस पेज नंबर 8. ऑल राइट बच्चों, नाउ यस, इफ यू रिमेंबर, काइंडली पे अटेंशन. इफ यू रिमेंबर, वी हैड लर्न अबाउट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वी हैड टॉक्ड अबाउट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. सो व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? बीइंग ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नित्या, कवर योर माउथ. सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मींस टू कीप एवरीथिंग ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस. हर चीज को, हर सामान को उसकी प्रॉपर जगह पर रखने को वी कैन से बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, और वी कैन से ऑर्गेनाइजिंग समथिंग. अंडरस्टूड? व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? टू कीप एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर प्लेस. हर चीज को, हर सामान को उसकी प्रॉपर, उसकी सही जगह पर रखने को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना कहते हैं. ऑल राइट, सो आई टोल्ड यू एवरीवन, आई टोल्ड अर्लियर के किड्स, यू ऑल हैव टू ऑर्गेनाइज योर बिलोंगिंग्स. ऐसे नहीं कि आपको सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, बट आपकी जो भी चीजें हैं, योर बैग, योर टॉयज, योर क्लोथ्स, योर पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, वॉट एवर थिंग्स, सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज दोज थिंग्स. मतलब आपको आपकी सारी बिलोंगिंग्स को, आपके सामान को प्रॉपर जगह पर रखना है. अच्छा, मुझे बताओ कि कभी अगर आप लोग अपने टॉयज निकालकर खेलते हो, ठीक है, अगर आप कभी अपने टॉयज के साथ खेलते हो, तो आफ्टर प्लेइंग जब आप उससे खेल लेते हो, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट यू डू देन? जस्ट से, आप जब उससे खेल लेते हो, देन व्हाट यू डू आफ्टर इट? उसको हम वहीं पर छोड़ते हैं और वहां से चले जाते हैं. इजंट इट? ऐसे ही करते हो ना आप लोग? यस आयुष, हाँ मुझे पता है यश नहीं करता. ऑल राइट, बट मैक्सिमम ऑफ यू, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमने प्ले करा, देन हमने प्ले, हमारा प्ले खत्म हो गया, उसके बाद वी लीव ऑल द स्टफ ऑन द फ्लोर एंड विल गो फ्रॉम देयर. हम ये नहीं सोचते कि वहां पर कोई आएगा, कोई उससे टकरा कर नीचे गिर जाएगा, किसी को लग जाएगी पैर में, कोई हर्ट हो जाएगा, कभी भी नहीं सोचते ना हम ऐसा. या फिर मम्मा परेशान होंगी, मम्मा हैव टू कम एंड देन मम्मा सब चीजों को कलेक्ट करेंगी एंड देन शी हैव टू ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग. ऐसे ही करना होता है ना, हम कभी ऐसा नहीं सोचते. बट आपको अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है बेटा. व्हाई टू डिपेंड ऑन मम्मी ऑन एवरीथिंग? क्यों मामा पर डिपेंड हो हर चीज के लिए? सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर बिलोंगिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, योर टॉयज. जैसे मैम ने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो समवेयर, आप कहीं बाहर जाते हो, गार्डन या समवेयर, सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, वहां से आने के बाद शूज जो होते हैं, हम लोग वहीं बीच में उसे फेंक देते हैं एंड देन वी गेट इनसाइड द हाउस. ऐसे ही करते हैं ना, इजंट इट? कुछ को छोड़कर सब ऐसे ही करते होंगे. नो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे. यू हैव टू टेक योर शूज एंड कीप इट ऑन द रैक और इन द कबर्ड, इन मतलब ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस यू हैव टू कीप. ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू पे अटेंशन. जब हम लंच कर लेते हैं या डिनर करते हैं, सो आप लोग प्लेट्स क्या किचन में ले जाते हो उठाकर? कैन यू टेक द प्लेट्स एंड एवरीथिंग टू द किचन? अगर नहीं ले जाते हो तो आपको ले जाना है.
After finishing your lunch, after finishing your dinner, you have to take your plates, आपकी थाली जो भी है उसे उठाओ and keep it in the kitchen. ठीक है, don't wait for your mummy to come and take all the stuff and then take it to the kitchen. Why to wait for the mother? मामा की help करनी है ना हमें. We have to help the mother ना. So at least आप इतनी help कर सकते हो कि अपना सारा सामान आप उसे organize कर कर रखो. ठीक है, तो अभी तक जो नहीं करता था, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, योर क्लोथ्स, योर बैग, योर कॉपीज, योर बुक्स, योर स्टेशनरी आइटम्स, योर टॉयज, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कीप ऑन द प्रॉपर प्लेस. अगर आपको प्रॉपर प्लेस नहीं पता है तो आस्क योर मामा के मामा टेल मी वेयर टू कीप दिस, वेयर टू कीप टॉयज, वेयर टू कीप माई क्लोथ्स, where to keep my bag, ask your mama, but don't depend on mama for organizing each and everything of yours. theek hai, understood? samajh mein aaya aapko? mama ki help karni hai hame bhi, theek hai na? at least hum help kar sakte hain ki hum apne saman ko jagah par rakhe, we keep our belongings to a proper place. all right, it's a promise now, from today onwards you all have to organize your things. It's a promise. Okay? All right. Chalo, now open page number 8 and 9 in your book of wellness. Ab aap is page mein, you just see in your book. Come on. Everyone, just see in your book. Aapki book mein dekhiye, aapko pata chalega. Look. Two rooms are given here. Pictures of two rooms given here. Can you see? Can you see it? देखो, one is very well organized and look at the one room, this room. सब चीजें यहां वहां scatter हो रही हैं. All the things are scattered on the floor. So which one is looking good? आप बताओ. दोनों room में से which one you find better, good? Tell me. This one na, this room is looking good as it is fully as it is very well organized. इसलिए ये वाला room अच्छा लग रहा है, isn't it? क्या किसी को ये वाला room अच्छा लग रहा है? Tell me, raise your hands. If anyone like this room, raise your hand. Divyanshi, आपको ये वाला room अच्छा लग रहा है? No, Tatvik. Tatvik, you like to keep your room like this? Everything is scattered on the floor. No, look, this is not looking good. No, it's very untidy, hai na? Yes, but look at this room, all the things are kept at proper place. Look, the toys are in the basket, the books are kept in the shelf, hai na? Look, everything is at proper place. So it's all up to you ke whether you like to keep your room untidy by scattering all the things on the floor or whether you like to keep your room tidy like this. Look, each and everything is at a proper place. The balls, the books, toys, blanket, pillow, everything. Hai na? So now kids, just notice the difference between it. Look, jo balls yahan par rakhi hui hain wo yahan par scatter hui hain, jo toys yahan par basket ke andar hain they are also scattered here on the floor. One socks, blanket, look, the pillows. So can you get the difference? Can you get the difference कि अगर हम अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर कर रखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रूम विल लुक गुड. सबसे पहले तो रूम बहुत अच्छा लगेगा, इट विल लुक गुड. एंड सेकेंडली नो वन इज गोइंग टू गेट हर्ट. और सेकेंड क्या होगा, कोई भी वहां पर हर्ट नहीं होगा, टकरा कर नीचे नहीं गिरेगा या किसी के पैर में नहीं लगेगी. अंडरस्टूड? अगर हम अपने टॉय पेंसिल शार्पनर नीचे फेंक देते हैं
और कोई भी वहां पर आया और किसी का पैर वहां पर रखा गया, देन ही इज गोइंग टू हर्ट, है ना। बट अगर हम उसे सब चीजों को जगह पर रखेंगे तो टू थिंग्स विल हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूम विल लुक गुड, वो रूम बहुत टाइडी लगेगा, अच्छा लगेगा। एंड सेकेंडली नो वन इज गोइंग टू हर्ट, ऑल राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कीपिंग एवरीथिंग वेल ऑर्गेनाइज्ड, अंडरस्टूड। नाउ इट्स अप टू यू, आप अपने रूम को ऐसे बनाते हो या ऐसे बनाते हो, इट्स अप टू यू, ऑल राइट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, organ being organized means to keep each and everything at their proper place, har cheez ko uski sahi jagah par rakhna, that is organization, that is organizing the things, all right। chalo okay bachcho, now get your hindi copy, we'll do our hindi work। mothers, you also motivate them to organize their belongings, ठीक है। आप भी उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें बताइए कि वेयर टू कीप योर थिंग्स, वेयर टू कीप योर क्लोथ्स, बैग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड किड्स, आई एम टेलिंग टू यू आल्सो, आफ्टर योर क्लास फिनिश्ड, जब आपकी क्लास फिनिश हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप ऑल योर बुक्स, कॉपीज, स्टेशनरी आइटम इन योर बैग, आपके बैग के अंदर रखना है, ठीक है। देन क्लोज योर बैग एंड कीप द बैग ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस। मामा जहां पर भी उसे रखती है, कबट में, शेल्फ में, आस्क योर मामा एंड कीप योर बैग ओवर देयर, ठीक है। फर्स्ट काम तो आपको ये करना है। एंड सेकेंडली यूनिफॉर्म, ठीक है, जब आपका अपना यूनिफॉर्म चेंज करो तो उसे भी आस्क योर मामा वेयर टू कीप इट, मामा उसे फोल्ड कर कर देंगे, एंड कीप योर यूनिफॉर्म एट प्रॉपर प्लेस, ऑल राइट, ठीक है। आई आस्क योर मदर्स, mothers you let me know ki are they organizing their things or not, theek hai, in our next class। acha one more thing, maine aapko bataya tomorrow is a holiday on account of dashera, can I tell you, tomorrow is a holiday on account of dashera, okay। in our next class on Saturday I am going to ask your mothers ki aapne unki help kari ki nahi, did you help them, did you organize your belongings or not, each and everything I am going to ask, theek hai na। chalo get your hindi copy now, we'll write down the next akshar, but before that what we are going to do, before writing the next akshar, the new akshar, what we are going to do, tell me what we are going to do, we are going to revise the akshar from the beginning, theek hai। chalo pay attention everyone, we are going to revise the akshar from the beginning, pay attention। Nitya, take out finger from your mouth, take out your finger from the mouth, Nitya। chalo bachcho, let's start, say with ma'am, ka se kamal, acha I found anyone, those who is not saying I'll remove you from the class, pay attention, ka se kamal, then kha se khargosh, ga se gamla, gha se ghar, and say everyone, say with mom, say अना है खाली, बजाओ ताली, देन च से चम्मच, छ से छाता, ज से जग, आफ्टर ज झ से झंडा, एंड निया, निया है खाली, बजाओ ताली।
After that, Thursday, tomato. Thursday, thathera. Thursday, damru. Thursday, dhakkan. And na. Na hai khali, bajao taali. After it, Thursday, tarbuj. Thursday, thermos. Then, Thursday, dawat. Thursday, dhanush. And nasi, nal. Okay. Ta, tha, da, dhana. All right. Akshar tha, akshar dha ke upar sleeping line puri nahi lagti hai. I told you, I think, in the last class. There are four akshar. Tha, dha, bha, and ek kshatriya wala sha aata hai. Ye charo akshar ke upar chhat, ye jo sleeping line hai, ye puri nahi lagti hai. Then, pa se patang. Pa se phal. Bha se bakri. Then, bha se bhalu. And, ma se machli. Then, ya se yagya. After ya, ra se rat. Then, la se lattu. So, up to la we had completed. Okay, so today we are going to write the akshar after la. Everyone, stop writing and pay attention. All right. So which akshar we are going to write? Akshar va. Akshar va. Va. It's very simple to make akshar va. One standing line and curve. Jaise hum va banate hain. In the same way, you have to make akshar va. Va se vak. Va se vak. Va se van. Van matlab jungle. So, akshar va. You have to make one standing line and curve like this. Jaise hum ba mein banate hain. And sleeping line at the top. Akshar va. Akshar va. Come on, say and write. Chalo, stand up. We'll say the English rhyme now. The title of the rhyme is Three Little Monkeys. Rohan, leave your work and stand up for the rhyme. Three Little Monkeys.
Come on, Ayana, stand up, Pramukh, stand up. Chalo, let's start. Three little monkeys jumping on the bed. Come on. One fell down and banged his head. Mama called the doctor and doctor said, no more monkey jumping on the bed. Now how many monkeys left? Two. Two little monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fell down and banged his head. Mama called the doctor and doctor said, no more monkey jumping on the bed. Now how many monkeys left? One. So one little monkey jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed. He fell down and banged his head. Mama called the doctor and doctor said, put those monkeys straight to the bed. Okay, chalo, we'll do it one more time. Come on, start from the beginning. Three little monkeys jumping on the bed. One fell down and banged his head. Ayana. Mama called the doctor and doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Now how many monkeys left? Two. So two little monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fell down and banged his head. Mama called the doctor and doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Now how many monkeys left? Two monkeys to gir gaye niche. Ab kaun bacha? How many monkeys are left? One monkey. Okay. So one little monkey jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed. One fell down and banged his head. Mama called the doctor and doctor said, put those monkeys straight to the bed. All right. Okay. All right, bacho, sit down. Sit down. Sit, sit, sit. All right. Chalo. Now, bacho, we are having 3 more minutes with us. So we'll revise the I sound words. ठीक है मैम यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहे हैं आपको भी मैम के साथ रीड करना है ऑल राइट चलो कम ऑन स्टार्ट एफ आई एन फॉर इन फिन Come on, read. Fin. Now, T-I-N. T-I-N. Tin. T-I-N. Tin.
Next. Next one is B I N. Bo in bin. Read it. Bo in bin. Come on, everyone. Now, next. P I N. So, po in pin. Po in pin. Now, D I G. So, D I G को हम कैसे रीड करेंगे? The egg dig. The egg dig. Next, F I G. For egg fig. All right. Okay, kids. The meeting is about to get over, so we have to end the class. We'll resume the reading in our next class. Okay. Happy Dashera to everyone. Happy Dashera. Enjoy the holiday. Enjoy your festival. Bye, everyone. Take care. We'll resume the reading in our next class. Okay. Bye, bye, everyone. Take care of yourself. Bye. Bye, bye. Happy Dashera to everyone once again. Bye, everyone. Take care of yourself.